Good morning, guys. Oh my my, बारिश हो रही है बड़ी तेज. ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है. मैं जा नहीं पा रही हूँ, शुरबत चली गई है. अब क्या कर सकते हैं गाइस, अम्ब्रेला कहाँ से मंगाऊं? और कितनी ज्यादा तेज बारिश है, ये देखो क्या ही मस्त मौसम है. गाइस मैंने नीचे पूरा टाल लपेट लिया है और ऊपर ये टाल ले लिया, और अब हम चलते हैं नीचे. मैं कहीं से ना भीगूं. अम्ब्रेला नहीं है यार, एक रूम में अम्ब्रेला होनी चाहिए थी. गाइस बारिश तो और तेज हो गई, तो मैंने जुगाड़ लगाया है कि मैं ऐसे टाल लपेट के नीचे तक भाग के जाती हूँ ताकि मैं भीगू ना. तो मैं फ़ोन रख लेती हूँ अंदर और मैं भागते ही जाती हूँ, कहीं गिर फिर ना जाऊँ. बट कोई नहीं, लेट्स गो गाइस, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है और मैं वेट नहीं कर सकती. ऐसे आई हूं मैं ऊपर से नीचे. और मैंने अम्ब्रेला मंगाई तो है, दो उधर रखी है, एक ऊपर लेके जा. ऊपर आए नहीं भैया, आ रहे थे ना वो पहले, वो कहते अभी नीचे रखे. ये क्या, अरे यार रात को अगर तो ऐसे निकल. बहुत सुंदर, तूने तो सब मिस कर दिया. बहुत तेज बारिश थी, मैं ऊपर थी ना, ऊपर ड्यूटी. चलो सोनू जल्दी आ, सांप आना, सांप उठाओ. दो मुंह होते हैं इसके, इस साइड से भी चलता है. सामने चलो. वो जहर है, देख क्या घूम रहा जहर ये. गाइस लाइव का सेटअप कर रहे हैं शिल्पा की, और 15 मिनट लेट हो गए बेचारे. इंटरनेट वीक है बारिश की वजह से. गाइस लोटस, मैं हूँ लोटस क्योंकि मैं कीचड़ में खिलती हूँ. गाइस अभी जब तक शिल्पा की लाइव चल रही है हम सब पूल में इंजॉय करना है. पापा तो सो गए थोड़ी देर, दवाई खाई उन्होंने तो सो गए. मम्मी भी आज पूल में जाएगी हमारे साथ, और ये नंगड़ सब तैयार हैं. लेट्स गो. अब हम तुम्हें एक स्टंट दिखाने वाले हैं. चलो मिलेंगे, पकड़ लिया. ओ तेरी, ओ तेरी, ये मम्मी. नाइस. ये मुझे देख के ऐसे क्यों कर रही है? मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है गाइस, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती हैं. गाइस हम लोगों ने पूल में एंजॉय किया बहुत ज्यादा. अभी मैं शक्ल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत गंदी हो रही है. फिर हमने लंच किया, उसके बाद अभी मेरा थेरेपी का टाइम है. मैं फुल बॉडी मसाज ले रही है गाइस, स्पा कराने जा रही हूँ. और मम्मी और शिल्पा अभी एंजॉय कर रहे हैं, और हमने रूम में शिफ्ट कर लिया. तो कौन से रूम में शिफ्ट हुए वो मैं आपको अभी आके बताऊंगी. सो गाइस लेट्स गो. गाइस फाइनली मैंने स्पा करा लिया है अपना, फुल बॉडी मसाज. और ये उन्होंने ही लगाया, ये कुछ रिचुअल होता है जहाँ से उन्होंने सीखा था वो. और इतना मजा आ रहा है, मेरा फेस पूरा ग्लो कर रहा है. पहले मैं शक्ल नहीं दिखा रही थी ना, आप देखो फुल ग्लो. और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था फुल बॉडी मसाज का, भाई क्या ही मजा आया ना गाइस. अब मैं रिलैक्स करूंगी क्योंकि ऐसा मन कर रहा है लेट जा. तो बस गाइस अभी मैं थेरेपी करा के आई थी, और फटाफट से नीचे जा रहे हैं चेंज करके क्योंकि फैन मिलने आ गए हैं. चलो गाइस बाय बाय. बहुत अच्छा लगा मिलके. अपने हस्बैंड को भी बाय बोल रहा हूँ.
योगा कर रही हो डांस छोड़ के योगा डालोगे क्या है, क्यों चीख रही है? हमें कुछ करने देगी? हमारा कंटेंट है नहीं है तेरे चक्कर में रहे। सुप्रा का पहले क्या कर कैसा लग रहा है? मजे? ये क्या कर रही है? मैं इसको देखना चाहती हूँ गाइस। बाथरूम पूरा सूट छोड़ के बाथरूम में लगी पड़ी। उधर उधर दिखा दे कितना अच्छा लग रहा है। ये देख, मुझे अच्छा लग रहा है यार, इधर लाइट्स अच्छी है, इसने मेरी इतनी गंदी पिक्चर्स क्लिक की है ना। अगर तूने एक भी डाली, डालनी तो पड़ेगी। तू मेरे ये कमेंट होगा डिलीट कर और रिपोर्ट करवाऊंगी। तल दूंगी, कर दियो रिपोर्ट। इधर सही लग रही, रिपोर्ट चल निकल गाइस। मेरे को अभी शूट करना था ड्रेस पहन के, तो वो नीचे रखे हैं यार। ये दिक्कत हो गई है ना इधर शिफ्ट होके इस वाले रूम में, कि अब नीचे थर्ड फ्लोर से जाना पड़ेगा। वैसे लिफ्ट तो है पर हाँ, मैं ये बताने वाली थी, और जो फैन मिलने आए थे गाइस, मैंने व्लॉग नहीं किया, शिल्पा ने किया था, तो उससे क्लिप चुरा लूंगी, इसमें लगा दूंगी। मैंने व्लॉग ही नहीं किया, मैं थोड़ा शर्मा जाती हूँ, फर्स्ट टाइम किसी से मिलती हूँ ना, और व्लॉग करना मेरे लिए बहुत टफ होता है। तो गिफ्ट भी लाया मेरे लिए, वो भी देखा होगा आपने, तो थैंक यू सो मच आने का साहिबा, और थैंक्स ब्रो। आज व्यू कुछ ऐसा है बाहर का गाइस, जो कल दिखा रही थी ना मैं तुम लोगों को, हम रूम नहीं ले पाए, मम्मी पापा और सबके साथ रहना था हमें, आज हमें वो मिल ही गया, हमें चाहिए नहीं था, बट हुआ यूं कि बारिश की वजह से उस वाले रूम में ना पानी आ रहा था ऊपर से। वो कह रहे थे कि मैम इस रूम का ऐसे ही होता है कि बारिश वैसे आता है। वो वुडन वाला जो भी था, बैम्बू से बनाई हुई थी उसकी सीलिंग या कैसे जो भी थी, तो उन्होंने कहा हम आपको इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम लोगों ने फिर इस वाले रूम में अपग्रेड करा लिया। ट्रक जा रहे हैं क्या? तो अब मैं थोड़ी अपनी शक्ल बुद्धि सही करूँगी यार। मैंने जब से वो कराई है ना बॉडी मसाज, तब से थकान लगान हो रही है, समझ कर रहा है सो जा स्लीप कर ले। पर कहाँ जाना है मुझे? ग्राउंड पे जाना है। हाँ, पर अभी हमें शूट करना है एक और गाइस, जो सबसे ज़्यादा तुम लोग ये पूछते हो ना, वो फ्रॉक सूट मैंने पहना था जब अभी नानी घर गई थी, और जो कल वाले ब्लॉग में भी फ्रॉक सूट पहना था, तो मैंने रील बनाई है और वो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। उसमें मैंने मेंशन किया कि कहाँ से खरीदा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कहाँ से लिया लोगों ने, नहीं गर्ल्स ने, तो गर्ल्स वहाँ जाके देख लेना रील पे, मैंने वहाँ से लिया। वहाँ से बड़ा हॉन्टेड सा है, देखो फुल अंधेरा, लास्ट में ग्रीन लाइट, फुल अंधेरा, फिर यहाँ से अपना रूम, बस ये वाला पार्ट हॉन्टेड है। फटाफट भाग लेती हूँ गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। अब तो लाइट जल गई, पहले नहीं जली हुई थी, इधर से है यार। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने का। इस पता नहीं सबसे वो चेहरे पे लेके ना, सर फट रहा है बहुत ज्यादा, दवाई मंगाई है सर दर्द, बहुत ही ज्यादा, इतना कभी सर नहीं पटा मेरा, पता नहीं क्यों ऐसा, जब फीवर में होता है तब होता है ना दर्द, ऐसे हो रहा है अभी। अगर हिम्मत है ना, हिम्मत है, इसको टच करके दिखा, बोर्ड है। अच्छा हुआ गाइस, कल रात मैं आते ही सो गई थी, मेरी शक्ल देखो, आईज स्वेल्ड है, ये सोने से नहीं है, ये मेरी रात को ही हो गई थी अपने आप ही। मैंने थेरेपी कराई उसके बाद, मेरा सर इतना फट रहा था, इतना ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं मैं कब आई हूँ, कब लेटी हूँ, कब सो गई हूँ, कुछ नहीं याद मुझे। अभी 10:30 बजे सुबह की और मैं अब उठी हूँ। आज विवेक का बर्थडे है, रात को मुझे कुछ नहीं पता किसने केक कट किया है क्या नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, उसको विश तक नहीं किया मैंने, अभी जाके करूँगी विश। और आज नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ये वाला ब्लॉग यहीं तक है गाइस, तो बाय।